हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SAS एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने ने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक जो है वो स्टार्ट कर रखी है। तो इसका दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट किया है। और दोस्तों प्रीवियस वीडियो जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था, जिसमें अपनों ने पूरे चैप्टर का जो है रिविज़न किया था, राइट। तो दोस्तों बजट एस्टिमेट जो था प्रीवियस वीडियो के अंदर, अपनों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, बजट एस्टिमेट क्या है दोस्तों, एक प्रकार से अनुमान है, एक एस्टीमेट तैयार करते हैं, फ्यूचरिस्टिक डेटा इंजम्पशन करते हैं, राइट, किसी भी बजट को जब हम पेश करते हैं, राइट। तो दोस्तों बजट को पेश करने से पहले जो अनुमान लगाए जाते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वो दोस्तों बजट एस्टीमेट कहलाते हैं। यस और नो दोस्तों, बजट एस्टीमेट जो है बनते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है, राइट। और दोस्तों बजट एस्टीमेट जब बनाते हैं तो समय समय पर क्या है, दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है। एक तो दोस्तों उस करंट फाइनेंशियल ईयर के जो डेटा एज्यूम किए गए थे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के बजट के अंदर जो पेश हुआ था फरवरी के अंदर, उसके डेटा में क्लैरिटी आती रहती है, उसके दोस्तों फैक्ट्स आते रहते हैं जो डेटा एज्यूम किए थे। और दोस्तों नेक्स्ट ईयर के बजट पेश करने की, हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बजट पेश करने की क्या है, प्लानिंग करते रहते हैं। यस और नो, तो दोस्तों ये दो चीज़ें क्या है, साइमल्टेनियसली चलती है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं जाती रहती है, राइट। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पढ़ा था, रिवाइज एस्टिमेट पढ़ा था, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक दोस्तों मैंने बताया था बजट जो है उसके अंदर 3 साल का डेटा रहता है, तो वो दोस्तों 3 साल का डेटा कौन कौन सा होता है, एक तो 1 फरवरी को मान लो बजट पेश कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के क्या है डेटा एज्यूम करते हैं अपने, एक डेटा वो हो गया। और दोस्तों 1 फरवरी को मान लो मैं बजट पेश कर रहा हूँ, तो उस फाइनेंशियल ईयर के दोस्तों रिवाइज एस्टिमेट होते हैं जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या है एज्यूम किए गए थे, राइट। तो एक तो रिवाइज एस्टिमेट होंगे, एक दोस्तों तीसरी चीज़ जो है वो होगी एक्चुअल डेटा, एक्चुअल एस्टिमेट, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के दोस्तों 31 मार्च तक के जो है डेटा वो इंक्लूड उसके अंदर किए जाएंगे, उन पे क्या है टोटल क्लैरिटी आ जाएगी। यस और नो, तो ये दोस्तों 3 साल का जो फंडा था वो आपको मैंने बताया। और दोस्तों डिटेल में जानकारी चाहिए तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। यस और नो, अब दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने बजट एस्टिमेट डिस्कस किया था, राइट, बजट एस्टिमेट। अब दोस्तों बजट एस्टिमेट की जब बात आती है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी रिसिप्ट्स होंगी और जितना एक्सपेंडिचर होगा उन सब का अनुमान था वो, राइट। तो दोस्तों बजट एस्टिमेट के बाद क्या था, बजट पास हो गया, बजट पास हो गया दोस्तों। आर्टिकल 112 के हिसाब से बजट पेश किया जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, आर्टिकल नंबर 114 के हिसाब से अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनते हैं, उसके बाद दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलता है, राइट दोस्तों। तो बजट पास जो होता है, बजट पास से पहले जो बजट एस्टिमेट लगाए जाते हैं दोस्तों, वो उनके अंदर ही दोस्तों क्या है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के साथ क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट दोस्तों कौन सी होगी, डिमांड फॉर ग्रांट सारी प्रकार के खर्चे जो लोकली कंट्रोल हेड के अंदर आते हैं, और दोस्तों सेंट्रली कंट्रोल हेड के अंदर जितने भी खर्चे आएंगे उन सबको क्या है इंक्लूड किया जाएगा डिमांड फॉर ग्रांट हर एक मिनिस्ट्री की, राइट। डिफेंस से रिलेटेड दोस्तों बात करूं तो लोकली कंट्रोल हेड अलग हैं, सेंट्रली कंट्रोल हेड हमारे पास अलग है, राइट। दोस्तों बजट एस्टिमेट बना, डिमांड फॉर ग्रांट, लोकली कंट्रोल हेड, सेंट्रली कंट्रोल हेड, जितना भी खर्चा होना था दोस्तों, टेंटेटिवली जितना खर्चा होना था वो सारा बजट के अंदर फंड अलॉट हो गया, ठीक है। तो बजट पास होने का मतलब क्या है दोस्तों, फंड का अलॉटमेंट होना, फंड का अलॉटमेंट होना, राइट। तो दोस्तों जब फंड अलॉट हो जाएगा और हर एक दोस्तों कोड हेड के अंदर, हर एक कोड हेड के अंदर, हर एक मेजर हेड के अंदर, सेक्टर के अंदर क्या है पैसा डिवाइड हो जाएगा। मान लो 100 रुपये फंड अलॉट हुआ तो उसको 10 रुपये कहाँ खर्च करना है, 20 रुपये कौन से कोड हेड में है, 30 रुपये कौन से कोड हेड में है, 40 रुपये कौन से कोड हेड के अंदर है, ठीक है। तो ये सारे फंड अलॉट हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, बजटरी कंट्रोल का क्या है रोल हमारे पास आता है, राइट। तो दोस्तों ये भूमिका हमने इसलिए बनाई है ताकि बजटरी कंट्रोल, मैं आपको सीधा बता दूं तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी बजटरी कंट्रोल क्या है। यस और नो, तो दोस्तों बजट एस्टिमेट जो था बजट से पहले की बात थी, बजट दोस्तों अपने आप में आर्टिकल 112 है, इसके बाद दोस्तों फंड अलॉटमेंट के बाद जो प्रोसेस चलती है उसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल, राइट। बजट कंट्रोल, बजट अलॉट हो गया, अब इसको कंट्रोल कैसे करोगे, राइट। यस और नो, तो इसके बारे में दोस्तों सारी जानकारी जो है चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमारे दी गई है, राइट। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले तो अपने पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं वो अपने देखते हैं। पहला है दोस्तों जनरल, जनरल कुछ नियम बताए गए हैं,
ठीक है, कि भी क्या क्या होगा इसके अंदर। दूसरा है दोस्तों कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द एमओडी। अब दोस्तों एमओडी के पास कुछ पावर्स होंगी, कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी एक्सपेंडिचर को। दोस्तों रेगुलेट का मतलब समझते हो आप? रेगुलेट का मतलब है रेगुलेटर। दोस्तों गैस के सिलेंडर में हमारे घर पे जो गैस का सिलेंडर होता है, हमारे घर पे दोस्तों गैस का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जब हम पाइप लगाते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो इधर रेगुलेटर लगा रहते हैं। ठीक है, रेगुलेटर का मतलब क्या है दोस्तों? उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, गैस को बंद कर सकते हो, गैस को चालू कर सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों एक्सपेंडिचर जो है, राइट, पब्लिक मनी का दोस्तों जो एक्सपेंडिचर जो है उसके ऊपर क्या है, उसको रेगुलेट करना है। तो कुछ पावर्स एमओडी को दी गई हैं, राइट, और दोस्तों कुछ पावर जो है अदर देन एमओडी दी गई है। कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय अथॉरिटीज अदर देन द एमओडी, राइट, यस और नो। तीसरा है दोस्तों वॉचिंग एक्सपेंडिचर अगेंस्ट अलॉटमेंट। दोस्तों अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, उसके अगेंस्ट में मतलब वॉच करेंगे एक्सपेंडिचर को कैसा कैसा हुआ है। आगे चलिए दोस्तों क्या है, री अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। ठीक है, फंड्स दोस्तों अलॉट हो गया, ठीक है, साल के एंड तक आते आते हमें पता चलता है यार इसके अंदर तो सेविंग होने वाली है, एक दूसरे मंथ के अंदर पता चलता है यार इसके अंदर तो एक्सेस एक्सपेंडिचर होने वाला है, राइट। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, फंड्स को रीअप्रोप्रिएट करते हैं। तो उसके बारे में सारी जानकारी है, कौन सी स्टेटमेंट बनेगी, एक्सेस ओवर एस्टिमेट। दोस्तों एस्टिमेट जितना बना था उससे एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है, तो उसके बारे में कुछ बात है। और दोस्तों कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के बारे में बात है, राइट। तो दोस्तों जो बजट का जो चैप्टर है, बजट के जो टॉपिक है, एस्टीमेट है, भले ही कंट्रोल है, तो बजट दोस्तों जब बनता है तो पूरे साल के अंदर जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ बातें हैं तो कई प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती हैं। ठीक है, मान लो एक्स प्रोसेस, वाई प्रोसेस, जेड प्रोसेस, ये सारी के पैरेलल परफॉर्म होती है। ठीक है, कितना दोस्तों एस्टीमेट हुआ है उस पर भी ध्यान रखना है, उस एस्टीमेट से कितना खर्च करना है उस पर भी ध्यान रखना है, राइट। दोस्तों कितना खर्च हो गया उस पर भी ध्यान रखना है। तो कई प्रोसेसेस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द बजट ऑफ अ ईयर, राइट। तो मतलब पूरे साल के अंदर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कई प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली परफॉर्म होती रहती है, राइट। अब दोस्तों चलते हैं अपने जर्नल से, और दोस्तों आज कुछ हल्की फुल्की बातें जो हैं इस चैप्टर के अंदर अपने स्टार्टिंग में करेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों 101 नंबर पैरा जो है अप्रैल 2013 के अंदर इस पैरे से एक सवाल पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों क्या है, द फंडामेंटल रूल ऑन विच द होल सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल रेस्ट इज दैट। दोस्तों जो फंडामेंटल रूल, जो मूल रूल कौन क्या है जिसके ऊपर जो बजटरी कंट्रोल का पूरा सिस्टम टिका हुआ है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, बजटरी कंट्रोल का पूरा सिस्टम किस पे टिका हुआ है वो बताएगा। नो आइटम ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर मे बी इनकर्ड अनलेस प्रोविजन एग्जिस्ट टू मीट इट इन द सेंक्शन बजट एस्टिमेट द ईयर कंसर्न। दोस्तों जो बजट सेंक्शन हुआ है उसमें प्रोविजन होने जरूरी हैं, तभी पब्लिक का पैसे का एक्सपेंडिचर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम पे। ठीक है, और दोस्तों ये रूल नहीं भी लिखता तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अरे कोई सेंक्शनड बजट एस्टिमेट है, कोई बजट जो कि सेंक्शन हुआ, सेंक्शनड बजट का मतलब है दोस्तों बजट जो सेंक्शन हो गया। ठीक है, इंग्लिश की बात है दोस्तों, बजट क्या है, नाउन है, और दोस्तों सेंक्शन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मान सकते हो इसको, तो ये क्या एडजेक्टिव काम करेगी। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये पूरा फॉर्मेट हमने पढ़ा है एक सेंटेंस को बनाने के लिए, राइट। तो ये क्या होगा दोस्तों, जो बजट सेंक्शन हुआ है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर आइटम पे खर्च करने की जब बात होगी, उसके प्रोविज़न एग्जिस्ट करते होंगे, उसके प्रस्ताव उसके अंदर लिखे होंगे, तभी तो हम उस आइटम पे खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मोटी मोटी बात ये याद रखनी, अगर बजट के अंदर बजट सेंक्शन हुआ है किसी पर्टिकुलर आइटम पे पैसा खर्च करने के लिए, उसके प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं, तभी क्या है आप उस पे आइटम पे खर्चा कर सकते हो, राइट, कोई से भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, राइट, कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हो, ये सो नो। तो ये दोस्तों फंडामेंटल रूल है। आगे चलिए एक बार दोबारा देखिए दोस्तों उस लाइन को, फंडामेंटल रूल क्या है, किसी भी आइटम पर एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी दोस्तों एग्जैक्ट हिंदी बनाई है, किसी भी आइटम पर एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता जब तक, कब तक, उस आइटम पर खर्च करने की बात उस साल के सैंक्शन बजट एस्टीमेट में न की गई हो, राइट, यानी उन मदों पर खर्च किया जाएगा जिनको बजट में सैंक्शन मिली हो खर्च होने की। दोबारा देखिए दोस्तों, किसी भी आइटम पर एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता जब तक उस आइटम पर खर्च करने की बात उस साल के सैंक्शन बजट एस्टीमेट में न की गई हो, यानी उन मदों पर खर्च किया जाएगा जिनको बजट में सैंक्शन मिली हो खर्च होने की, राइट, कि भैया इस आइटम पे खर्च करना है तू खर्च हो जा, ठीक है, उस पैसे को ही खर्च किया जाएगा, राइट, यस। दिस रूल अप्लाइज टू द नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर एज वेल एज द अमाउंट। और दोस्तों ये फंडामेंटल रूल जो है, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, किस आइटम पे खर्च हो रहा है, किस टाइप का खर्चा है, एज वेल एज कितनी अमाउंट का खर्चा है,
उस पे भी लागू होता है, ठीक है, कि मतलब वो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर और दोस्तों वो अमाउंट दोनों क्या है, बजट के अंदर सेंक्शन होनी चाहिए। द प्रोविजन इन द बजट मस्ट हैव बीन मेड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग द पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्वड। और दोस्तों जो बजट के अंदर जो प्रोविज़न होंगे, ठीक है, जो प्रस्ताव दोस्तों बजट के अंदर इंक्लूड होंगे, मस्ट हैव बीन मेड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग द पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व। और दोस्तों क्या है, मान लो किसी ए आइटम पे खर्चा करना है, तो भैया ए आइटम पे खर्च करने के लिए जो मुझे प्रोविज़न मिले हैं बजट के अंदर, जो सेंक्शन मिली है, मैं उस ए आइटम पे ही उस पैसे को खर्च करूँगा। ठीक है दोस्तों, मुझे राम को 100 रुपये देने हैं तो मैं दोस्तों राम को ही 100 रुपये दूंगा, भले ही राम 50 रुपये ही खर्च करता हो। दोस्तों मुझे श्याम को 100 रुपये देने हैं तो मैं दोस्तों श्याम को 100 रुपये ही दूंगा, भले ही वो 120 रुपये खर्च करता हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताता हूँ रीअप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों राम को 100 रुपये दिए, 50 रुपये खर्चा किया, 50 रुपये बच गया। श्याम ने दोस्तों क्या है, 100 रुपये खर्च करने थे, 120 खर्च कर दिए, 20 रुपये एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया। तो दोस्तों इसके 50 क्या है, इसमें से इसके 20 को क्या है, बैलेंस करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, 50 में से 20 इसको दे देंगे, राइट, तो इसका क्या है, खर्चा बैलेंस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन, राइट। लेकिन दोस्तों क्या है, इस लाइन के अंदर क्या बोल दिया कि ए पे खर्चा करना था, मतलब राम को जो पैसे दिए थे या श्याम को जो पैसे दिए थे, उनको क्या है, अपने ही उस पे खर्च करना है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर पे, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर बोल दिया कि रीअप्रोप्रिएशन जो है, ये देखिए तो पढ़ के बताता हूँ, सर्टेन अथॉरिटीज़ आर रिवेस्टेड विद द लिमिटेड पावर्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बजट हेड टू अनदर, बट विद दिस एक्सेप्शन द रूल रेफर टू अबव इज एब्सोल्यूट। मतलब ये दोस्तों रूल क्या है, एज इट इज़ रहेगा, लेकिन रीअप्रोप्रिएशन केस के अंदर क्या है, इसमें थोड़ी सी ढील दी जा सकती है। ठीक है, जब हम रीअप्रोप्रिएशन करते हैं तो एक हेड से पैसा दूसरे हेड में डालते हैं, राइट, तो उस केस के अंदर दोस्तों ये नियम क्या है, इसको क्या है, थोड़ा सा दरकिनार करते हैं। बाकी सारी चीज़ों पे क्या है दोस्तों, अगर रीअप्रोप्रिएशन हम नहीं कर रहे हैं तो जिस हेड के अंदर जितना पैसा अलॉट हुआ है, जिस आइटम के लिए खर्च, जिस नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए जितनी अमाउंट अलॉट हुई है, वो उसी पे खर्च किया जाएगा। बट विद दिस एक्सेप्शन द अबव रूल, द रूल रेफर्ड टू अबव इज एब्सोल्यूट, मतलब ये वाला रूल, राइट, कि मतलब वो सही है कि जो ऊपर नियम लिखा गया है, रीअप्रोप्रिएशन के केस में क्या है, हम बजट को ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। तो दोस्तों ये कंसेप्ट समझ में आया, रीअप्रोप्रिएशन के आगे चैप्टर में दोस्तों बहुत बात होगी इसकी, राइट। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है, इन चीज़ों को पहले से ग्रास्प होगी, हमारे पहले से समझी होगी, तो हम वी कैन अंडरस्टैंड दैट बेटर। अगला देखिए दोस्तों, ईच इंडिविजुअल ऑफिसर टू हुम एनी पोर्शन ऑफ ए ग्रांट। अब दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल ऑफिसर हैं जिसको क्या है, ग्रांट का कोई पोर्शन दे दिया, ठीक है, ग्रांट का पोर्शन देने का मतलब है उसको फंड अलॉट कर दिया, राइट, प्रोवाइडेड इन द बजट टू मीट अ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, बजट के अंदर दोस्तों उसको प्रोवाइड किया है, यस और नो, किसके लिए, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर उसको करना था भैया, तो उसके लिए क्या है, उसको फंड अलॉट कर दिया, राइट, इज अलॉटेड ईच इंडिविजुअल ऑफिसर टू होम एनी पोर्शन ऑफ अ ग्रांट इज अलॉटेड। यहाँ से पढ़िए, ए ग्रांट इज अलॉटेड इज रेस्पॉन्सिबल, कौन रेस्पॉन्सिबल है, वो ऑफिसर, ईच इंडिविजुअल ऑफिसर। यहाँ से पढ़िए दोस्तों, ये पूरा सब क्लोज हो गया, ठीक है, ईच इंडिविजुअल ऑफिसर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग दैट। अब दोस्तों इंग्लिश भी पढ़नी आनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर डबल डबल सब क्लोज दिया गया है, ठीक है, ये दोस्तों पूरा सेंटेंस जब आप पढ़ोगे, ईच इंडिविजुअल ऑफिसर, तो ये पूरा सब क्लोज हो गया, ठीक है, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, इसकी सपोर्टिंग लाइन होगी। अब दोस्तों ईच इंडिविजुअल टू होम एनी पोर्शन ऑफ ए ग्रांट इज़ अलॉटेड, अब ये पूरा इसको इसके साथ ऐड करोगे तो ये पूरा सब क्लोज हो गया, ठीक है, मतलब इसकी जो सपोर्टिंग लाइन होगी, सब क्लोज का मतलब है उसकी सपोर्टिंग लाइन है, यस और नो। तो ये हो गया दोस्तों, ईच इंडिविजुअल ऑफिसर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग दैट द अलॉटमेंट इज़ यूटिलाइज्ड सोलेली फॉर दैट क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब वो क्या है, जिम्मेदार है दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल ऑफिसर जिसको फंड अलॉटमेंट हुआ है, कि भैया कि जो एक्सपेंडिचर जिस क्लास पे करना था उसी क्लास पे हुआ है, एंड अलॉटमेंट इज़ नॉट अवर्समेंट, कि भैया 100 रुपये अलॉट हुए थे तो क्या 100 रुपये ही खर्च करे, ऐसा नहीं है उसके पे 101 रुपया खर्च कर दे। एंड प्रायर सेंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अप्लाइड ऑन एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी मेट फ्रॉम द सेंक्शनड ग्रांट हैज़ टू बी इनकर्ड। और दोस्तों जो सेंक्शनड ग्रांट है, अगर उससे खर्चा नहीं आप कर रहे हो, राइट, और दोस्तों सेंक्शन ग्रांट से अगर आप खर्चा नहीं कर रहे हो तो आपको क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन लानी पड़ेगी। ठीक है, बजट के अंदर दोस्तों बजट सेंक्शन हुआ कि पर्टिकुलर ग्रांट सेंक्शन हुई, राइट, मान लो कोई एक्स आइटम की ग्रांट सेंक्शन नहीं हुई, ठीक है, और उस पर दोस्तों आपको खर्चा करना है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन चाहिए उसके अंदर, राइट, तो ये इसके अंदर बात बोल दी। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, व्हेन एप्लीकेशन इज़ मेड फॉर सच सेंक्शन, कौन सी सेंक्शन,
जो आप खर्चा करना चाहते हो सैंक्शनड बजट से नहीं करना चाहते, ठीक है, वो खर्चा दोस्तों जो आप सैंक्शनड बजट एस्टिमेट से नहीं करना चाहते, उस एप्लीकेशन की बात कर रहा है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब दोगे तो इट शुड बी स्पेसिफिकली स्टेटेड टू व्हाट एक्सटेंट द ओरिजिनल ग्रांट विल फॉल शॉर्ट ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो दोस्तों आपको रीजंस देने पड़ेंगे, जो एप्लीकेशन आप दोगे तो उसके अंदर आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि भैया कोई एक्स आइटम पे पहले मान लो 100 रुपये अलॉट हुए थे तो ओरिजिनल ग्रांट विल फॉल शॉर्ट ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो ओरिजिनल ग्रांट में ऐसा क्यों हुआ कि वो पैसे कम पड़ गए, क्योंकि 100 रुपये खर्च होने थे तो दोस्तों 100 ही होने थे, उस पर आपको ज़्यादा पैसों की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, राइट। तो एप्लीकेशन जब दोस्तों मेड होगी तो आपको स्टेट करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा, इट शुड बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, राइट। और दोस्तों किस हद तक बताना पड़ेगा, टू विच एक्सटेंट, कि ओरिजिनल ग्रांट जो है वो कम क्यों पड़ गई, एंड वेदर द एक्सपेंडिचर कैन बी मेट फ्रॉम सेविंग्स इन द सैंक्शन ग्रांट, और क्या दोस्तों सेविंग जो है उस ग्रांट के अंदर थोड़ी बहुत बची हुई मान लो तो उससे खर्चा क्यों नहीं हो पा रहा। मान लो 100 रुपये थे, 80 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, 20 रुपये बचे, लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरा जो खर्चा है वो 40 रुपये का है, तो वो पूछेंगे कि भैया 20 रुपये से काम क्यों नहीं चला पा रहे हो आप, 40 वाला खर्चा, राइट। तो वेदर द एक्सपेंडिचर कैन बी मेट फ्रॉम सेविंग्स इन द सैंक्शन ग्रांट, तो ये हो गई एक बात। एक्सप्लेनेशन शुड ऑल्सो बी गिवन वाई द एक्सपेंडिचर इज़ इमीडिएटली नेसेसरी एंड वाई द नेसेसिटी फॉर इट वॉज नॉट फोरसीन। और दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन शुड ऑल्सो बी गिवन कि जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो अभी नेसेसरी क्यों है, ठीक है, और अभी नेसेसरी है भी तो पहले इसकी नेसेसिटी को क्यों ध्यान में नहीं रखा गया, द नेसेसिटी फॉर इट वॉज नॉट फॉरसीन, ठीक है, तो उसके रीजंस आपको बताएं। तो कुल मिला के बात ये है दोस्तों, जो सैंक्शनड बजट एस्टिमेट है आपको उससे क्या है काम चलाना पड़ेगा, राइट। उसकी जब डिमांड फॉर ग्रांट अब जब आपने दी थी तो उस टाइम इस चीज़ को ध्यान रखना था, बाद में दोस्तों आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सैंक्शन लेने जाओगे तो उसके अंदर आपको इस बजट के अंदर पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये सारा प्रोसेस जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए दोस्तों नोट नंबर 1 दिया गया है, द टर्म सैंक्शन बजट एस्टिमेट एज यूज्ड इन दिस रूल इज हेल्ड टू रेफर टू द डिमांड फॉर ग्रांट रिलेटिंग टू द डिफेंस सर्विसेज एज वोटेड बाय द पार्लियामेंट। दोस्तों जो डिमांड फॉर ग्रांट डिफेंस की थी, जिस पर पार्लियामेंट ने वोट किया गया है, जिस पर पार्लियामेंट ने वोट किया है उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया सैंक्शनड बजट एस्टिमेट, ठीक है। दोस्तों किसी एक्स आइटम पे खर्च करने के लिए आपने डिमांड फॉर ग्रांट थी, ठीक है, तो उसको दोस्तों क्या है बजट के अंदर पेश किया गया। अब दोस्तों बजट के ऊपर क्या होता है, पार्लियामेंट की वोटिंग होती है, राइट। तो उसके केस में दोस्तों क्या है, वोटिंग हो गई मेजोरिटी की, तो वो क्या है उस एक्स आइटम पे उस वो पैसा खर्च करने के लिए वो उसको आप खर्च कर सकते हो, राइट। उसको क्या बोलते हैं सैंक्शन बजट एस्टिमेट, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एन अप्रोप्रिएशन बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड सेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, सैंक्शन बजट एस्टिमेट का मतलब क्या है, पहले तो डिमांड फॉर ग्रांट हो गई, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट दोस्तों बजट के अंदर पेश कर दी, बजट के अंदर दोस्तों क्या होगा पार्लियामेंट वोटिंग करेगी, राइट। पार्लियामेंट दोस्तों वोटिंग कर देगी तो अप्रोप्रिएशन बिल बनेगा, अप्रोप्रिएशन बिल दोस्तों राष्ट्रपति के पास जाके जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे तो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा, फिर आप क्या है किसी भी मद पे पैसा खर्चे करने के लिए आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हो, ये सुनो। तो ये हो गया दोस्तों नोट नंबर 1 कम्प्लीट, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नोट नंबर 2 क्या दिया गया है। दोस्तों नोट नंबर 2 के अंदर वोट ऑन अकाउंट की थोड़ी बात होगी, ठीक है। दोस्तों वोट ऑन अकाउंट आपको पता है बहुत बार बताया गया है कि बजट दोस्तों जब तक पूरी तरह सैंक्शन नहीं होता, पहले क्या लेट बजट आता था, राइट। अभी तो दोस्तों 1 फरवरी को पेश हो जाता है, राइट। तो इसलिए इस वोट ऑन अकाउंट की क्या है थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, राइट। दोस्तों वरना क्या है पहले वोट ऑन अकाउंट दिया ही जाता था, बजट का दोस्तों कुछ हिस्सा जो है जो मैंडेटरी खर्चे होंगे उनके लिए पास कर दिया जाता था। तो देखिए दोस्तों नोट के अंदर क्या दिया गया है, पेंडिंग डिटेल कंसिडरेशंस एंड वोटिंग ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट बाय द पार्लियामेंट। दोस्तों डिटेल्ड कंसीडरेशन और दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर जो डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोटिंग जो है वो अभी पेंडिंग है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से तो क्या है बजट पास नहीं हुआ, अभी पेंडिंग है, राइट। एक्सपेंडिचर अदर देन ऑन न्यू सर्विसेज, दोस्तों न्यू सर्विसेज के अलावा जो एक्सपेंडिचर होगा मे बी इनकर्ड, वो किया जा सकता है। दोस्तों देखिए कितनी शानदार इंग्लिश लिखी गई है, देखिए पेंडिंग पहले दे दिया, पेंडिंग से सेंटेंस ही स्टार्ट किया है, फिर ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म किया, ठीक है। फिर दोस्तों बोल दिया एक्सपेंडिचर से सेंटेंस स्टार्ट किया, एक्सपेंडिचर अदर देन ऑन न्यू सर्विस। अब दोस्तों सारे सेंटेंसेस जब आप देखोगे, देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे सारे सेंटेंसेस लगभग सेंटेंसेस जो पैसिव वॉइस में बनाए गए हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर से स्टार्ट किया है, एक्सपेंडिचर
अदर देन ऑन न्यू सर्विसेज, मतलब न्यू सर्विसेज के अलावा जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको क्या इनकर किया जा सकता है, ठीक है, टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड फॉर इन द वोट आउट ऑन काउंट। दोस्तों किस हद तक, किस लिमिट तक, एक्सटेंट का मतलब हो गया लिमिट तक, किस लिमिट तक खर्चा किया जा सकता है दोस्तों, जितना प्रोवाइड हुआ है किसके अंदर, वोट ऑन अकाउंट के अंदर, राइट। और वोट ऑन अकाउंट के अंदर दोस्तों जनरली 1/6 जो बजट का हिस्सा है उसको क्या है लिया जाता है। मान लो 60 रुपये बजट सेंक्शन होगा तो इसका 1/6 हिस्सा मान ली 10 रुपये जो है वोट ऑन अकाउंट के अंदर आप ले सकते हो। आफ्टर इच हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट कनेक्टेड अप्रोप्रिएशन बिल इनेक्टेड, राइट। दोस्तों जब तक क्या है पार्लियामेंट उसको पास करेगी और कनेक्टेड अप्रोप्रिएशन बिल इनेक्ट होगा तब तक क्या है दोस्तों ये चीज़ें आप कर सकते हो, यस ऑन वोट ऑन अकाउंट आप ले सकते हो। तो ये हुआ दोस्तों नोट नंबर 2 कंप्लीट। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने रूल नंबर 102 से आगे चलेंगे और दोस्तों बहुत अच्छे से क्या इस चैप्टर को अपने पढ़ेंगे, यस ऑन। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं रैप करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दोस्तों ज़रूर से करें। और PDF के लिए दोस्तों PDF SAS एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक चाहिए तो दोस्तों कमेंट कर देना, राइट, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।